दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड को रौंद कर 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम ने पारी की शुरुआत कर दी है। मैदान पर छक्के चौकों की बारिश देखने के लिए मिल रही, आखिर क्या चल रहा है, लाइव स्कोर हार्दिक गिल ने बना लिए, कितने रन मैदान पर टिककर, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में से पहला T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला यहां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर अब खेला जा रहा है, जहां एक तरफ भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के खिलाफ जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी संभाले हुए हैं। और दोस्तों उस बात को कोई भी नहीं भूल सकता जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हार देकर दर्द इंग्लैंड जैसी टीम ने दिए थे, और अब बारी है भारतीय टीम की यहां उनसे अपना हिसाब चुकता करने की। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच यह श्रृंखला 3 मैचों की है, और अगर 3-0 से भारत की टीम जीत जाती है तो पूरा भारत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत ईशान किशन और शुभमन गिल से करवाएंगे। तो वहीं भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम शुमार नहीं है, जिसके चलते हम सभी को एकदम नई नवेली प्लेइंग 11 टीम नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच अगर आप भी पहला T20 मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकोगे, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है। वहीं बात करें अगर मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर मैच की जानकारी से पहले आपको महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम द्वारा जारी किए गए मौसम विभाग की अपडेट बता देते हैं। तो दोस्तों मैच के दौरान हम सभी को भारी बारिश होने की आशंकाएं जताई तो गई है, लेकिन उम्मीदें यही है कि मैच के दौरान जो बारिश होगी वो जल्दी ही रुक जाए और पूरा मुकाबला खेला जाता हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच नजर आए। हालांकि दोस्तों यहां पर बारिश होने के आसार लगभग 70% तक जताए गए हैं, क्योंकि घने बादल तो मैदान पर छाए रहेंगे और पूरे मुकाबले को वो तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो इंग्लैंड और भारत के बीच में आज तक कुल मिलाकर टोटल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां इन 23 T20 मुकाबलों में से 12 मैच भारत के नाम रहे हैं, तो वहीं 11 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है इंग्लैंड के खिलाफ कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों अगर घर से बाहर मुकाबले खेले जाने की बात की जाए तो घर से बाहर तो भारतीय टीम ने मात्र 4 मुकाबले जीते हैं और 5 बार इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है। लेकिन अब भारत का यह मुकाबला अपने घर में ही हो रहा है, और यहाँ पर भारतीय टीम के आंकड़े काफी शानदार है इंग्लैंड के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पर हर हाल में भारतीय टीम का जीतना ही संभव हम सभी को तो नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया से हर किसी को उम्मीदें होंगी कि इंग्लैंड के खिलाफ अब वैसा प्रदर्शन देखने के लिए तो कम से कम ना मिले जो कि आज से पहले यानी कि T20 वर्ल्ड कप में देखने के लिए मिला था। यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान दिग्गज खिलाड़ियों के टीम में ना होने से जरूर टीम इंडिया को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारतीय टीम को हमने लगातार देखा है कि उन्होंने T20 श्रृंखलाओं में मैचेस जीते हैं, वो भी इन बड़े खिलाड़ियों के नामों के बजाय। तो यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी सबसे अच्छी बल्लेबाजी और कप्तानी प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी भारतीय टीम मैच को जीत पाने में सबसे बड़ी कामयाब टीम बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर इंग्लैंड की टीम ने ठान लिया कि उससे भारत को हराना है तो वो किसी भी हाल में पूरा जोर लगा देगी, लेकिन भारत को हरा कर ही दम लेगी। और दोनों ही टीमें इस प्रकार की होने के बावजूद अब एक हाई वोल्टेज मुकाबला हम सभी को खेला जाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात करें प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों जो आप सभी को भारत की प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है उसमें शामिल होते हुए हार्दिक पांड्या तो दिखाई देंगे बतौर कप्तान, वहीं टीम में हिस्सा दिया जाएगा शुभमन गिल और ईशान किशन को। वहीं फिर मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड़ा खेलेंगे, और वहीं फिर गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। वहीं बात करें अगर इंग्लैंड की टीम के बारे में तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से आप सभी को मैदान पर उतरते हुए डेविड मलान और फिल सॉल्ट दिखाई देंगे। वहीं फिर मध्यम क्रम में जॉस बटलर, बेन डकेट, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वॉक्स जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे, और यहां फिर गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन, रिहान अहमद, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों यही होगी भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम है। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है कि पहला T20 मैच भारत इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।